पर अश्व की नहीं अब तुम्हारी जीवन लीला समाप्त होगी। पवन सुत धारे पाचहु दानव छन में संहारे जब सहाय बलि हनुमाना राम काज में को व्यवधाना। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। आश्चर्य, मेरे महादानवों का वध कर दिया इसने, मेरे महादानवों का। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान, हमसे बड़ी भूल हुई है, हमें क्षमा कर दीजिए। इससे पूर्व की कोई और अनिष्ट घट जाए या हमारी बुद्धि को कोई फिर से प्रभावित करे, आप श्री राम के कार्य हेतु इस अश्व को ले जाइए हनुमान जी। इसमें आप दोनों का कोई दोष नहीं है, ये सब राक्षस निकुंभ ने किया है। संसार में अधर्म का विनाश करने के लिए अपनी माया से वो सबके विचारों को दूषित करने का प्रयास कर रहा है। सत्य है हनुमान जी, आपने हम दोनों भ्राताओं को अधर्म करने से बचा लिया। उस आसुरी शक्ति से हमारी रक्षा करने के लिए आपको शत शत नमन हनुमान जी। मेरी तो इच्छा है कि मैं जगत के सभी मनुष्यों को ऐसी आसुरी शक्तियों से रक्षित कर सकूं। प्रणाम ब्रह्मदेव। हनुमान, तुम तो सदैव से ही सबके संकट मोचन रहे हो, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। मैं सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ये विधान करता हूँ कि अब से जिस भी घर एवं नगर के द्वार पर श्री राम का नाम लिखा होगा एवं तुम्हारे पंचमुखी रूप की प्रतिमा होगी, वहाँ कोई भी बुरी शक्ति या राक्षसी सोच प्रवेश नहीं कर पाएगी और तुम्हारी पंचमुखी प्रतिमा घर की पांच दिशाओं से रक्षा भी करेगी। जय श्री राम। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान। ब्रह्मा दिए हनुमत आशीषा पंचमुखी महिमा हो विशेषा, नारायण पुर घर घर उभरा पंचमुखी हनुमान का चित्रा। तत्पश्चात कपि सुन भाई अश्व हथेली लिए चढ़ाई, जन जन रु राजा पर नामा उड़ चले अवध दिशा हनुमाना। गाथा महाबली हनुमत की रुचि कर लीला राम भगत की जय 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 रघुनंदन राम जय 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 महाबली हनुमान।
उषा काल की लालिमा छा चुकी है क्षितिज पर। अब किसी भी क्षण सूर्यदेव की प्रथम रश्मि यहां की धरा को स्पर्श कर सकती है, और यदि इस क्षण के पूर्वी हनुमान नहीं आ पाए तो हनुमान आ गए। प्रणाम गुरुदेव वशिष्ठ, प्रणाम ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य, कल्याण हो। प्रणाम प्रभु, प्रणाम माता। माता, कहीं मुझे आने में विलंब तो नहीं हुआ ना? पुत्र हनुमान, तुम्हारे होते हुए प्रभु के कार्य में विलंब कैसे हो सकता है? माता, ये कार्य भी मैं प्रभु के प्रताप से ही पूर्ण कर पाया। अब प्रभु के अश्वमेध यज्ञ के संपन्न होते ही चहुं ओर धर्ममय सुखमय राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। माता, और तब राक्षसी सोच को विस्तारित होने का अवसर ही नहीं मिलेगा। हनुमान, यदि तुम चाहते हो कि सुख में रामराज्य स्थापित हो जाए, तो जब तक अश्व पूजा होती है तब तक तुम्हें जाकर एक और महत्वपूर्ण कार्य करना होगा। ऋषि श्रेष्ठ, आप आदेश दीजिए। तो सर्वप्रथम तुम ये बताओ कि अश्वमेध यज्ञ के विषय में तुम्हें कितना ज्ञान है, एवं यज्ञ के अश्व का क्या महत्व है? ऋषिवर, जहां तक मुझे ज्ञात है, राजा अपने साम्राज्य एवं प्रभुत्व को विस्तारित करता है। अश्व जिस राज्य से होकर निकलता है, उस राज्य के राजा को यज्ञ करने वाले राजा की अधीनता स्वीकार करनी होती है। किंतु यदि कोई उस अश्व को रोकता है, तो उसे यज्ञ करने वाले राजा की सेना से युद्ध करना होता है। हाँ हनुमान, अंततः इस यज्ञ का लक्ष्य यह है कि समस्त राजा श्री राम की अधीनता बिना युद्ध के ही स्वीकार कर लें एवं राम राज्य में सम्मिलित हो जाएं। और यह तभी संभव हो सकता है हनुमान, जब स्वयं च्यवन ऋषि इस यज्ञ में भाग लें, क्योंकि वो उन महान ऋषियों में से एक हैं जो महातेजस्वी हैं, जिनके तप में अतुलनीय शक्ति है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। च्यवन ऋषि के तपोबल से बड़े बड़े महाबली राजा भी थरथर कांपते हैं। उन्होंने अपने तप के प्रताप से इंद्रदेव को भी बंदी बना लिया था। आसुरी शक्ति एवं निशाचरी सोच वाले तो
इनसे कोसों दूर ही रहते हैं। इस प्रकार श्री राम एवं तुम्हारे नाम के साथ ऋषि च्यवन का नाम मात्र जुड़ जाने से ही उनके तप का सम्मान करते हुए अनेकों भूपाल अश्व को नहीं रोकेंगे और बिना युद्ध किए ही प्रभु श्री राम के राज्य को स्वीकार कर लेंगे। परंतु ऋषि च्यवन सरयू किनारे तप कर रहे हैं, शीघ्र कुपित हो जाते हैं वो। छोटी सी बात पर कठोर से कठोर श्राप दे सकते हैं। उन्हें यज्ञ के लिए यहां ला पाना लगभग असंभव ही है हनुमान। गुरुवर, प्रभु का कार्य है, प्रयास तो करना ही होगा मुझे। किंतु किसी कारण से रुष्ट होकर उन्होंने पुत्र हनुमान को श्राप दे दिया तो? माता, आप चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। यदि माता ऐसा कुछ हुआ तो भी मैं प्रभु का नाम लेकर उनके श्राप को भी आशीर्वाद समझकर मैं ग्रहण कर लूंगा। माता, किंतु मैं ऋषि च्यवन को लेकर अवश्य आऊंगा। कार्य कितना भी जटिल हो किंतु बिना किसी संकट के समय रहते यदि वो कार्य कोई कर सकता है तो वो मात्र हनुमान ही है। प्रभु, मुझ पर आपका ये विश्वास ही मेरी शक्ति है। अब इस कार्य को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। प्रभु, आप बस मुझे आज्ञा दीजिए। सफल मनोरथ बाबा। प्रणाम गुरुदेव। आयुष्मान भव। कल्याण हो। जय श्री राम। वानर 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 या ये वानर ही मेरी राह का रोना है। अश्व को अयोध्या पहुंचाया और अब च्यवन ऋषि को लाने चल दिया। नहीं, च्यवन ऋषि के आने का अर्थ है राम राज्य की शीघ्र स्थापना। तब हम आसुरी सोच से पतित नहीं कर पाएंगे मनुष्यों को, तो कैसे होगा पाप का विस्तार, कैसे होगी अधर्म की जय। यज्ञ को किसी भी मूल्य पर सफल नहीं होने दूंगा मैं। विघ्न डालना होगा, विघ्न। कैसी सात्विक ऊर्जा उपस्थित है यहां चहुओं।
नमः शिवाय। सत्य ही कहा था ऋषिवर अगस्त्य ने, तप के तेज से यहाँ का संपूर्ण वातावरण शुद्ध पवित्र एवं दिव्य बना हुआ है। ओम नमः शिवाय। च्यवन ऋषि भी आसपास ही कहीं होंगे। ओम नमः शिवाय। ये ऋषिवर च्यवन कहाँ है? ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तप का ऐसा अद्भुत एवं विचित्र तेज, ऋषिवर च्यवन भी इतने युवा, आश्चर्य है। ये क्या, बाहर से तो युवा है किंतु भीतर से वृद्धता भी झलक रही है। ये क्या पहेली है? ये कोई माया है या तप का तेज या फिर कुछ और? वहीं रुक जाओ और निकट जाने का साहस मत करना। अब त्रिन भर भी आगे बढ़े तो तुम्हें ऋषिवर के प्रलयकारी कोप का भागी बनना पड़ेगा। कौन हो तुम? प्रणाम माता, मैं प्रभु श्री राम का सेवक हनुमान हूँ। मैं ऋषिवर के तप में विघ्न नहीं डालूंगा, किंतु प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के लिए मुझे शीघ्र ही ऋषिवर को अयोध्या लेकर जाना है। उसके लिए तो तुम्हें ऋषिवर के मंत्र जाप के संपन्न होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। परंतु माता, प्रतीक्षा करूंगा तो अश्वमेध यज्ञ का मुहूर्त ही निकल जाएगा। हनुमान, प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त तुम्हारे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। ओम नमः शिवाय। माता, कोई तो विकल्प होगा जिससे ऋषिवर कुपित भी ना हो और ध्यान से जागृत भी हो जाएं। नहीं, अभी तो किसी ने उनका ध्यान भंग किया तो उसे कठोर दंड देते हैं ऋषिवर। मैं भी दंड भोग रही हूँ। एक भूल के कारण जीवन भर के लिए इनकी दासी बनना पड़ा मुझे। माता, जीवन भर के लिए दासी? ऐसा क्या हो गया था आपसे? ये एक लंबी कथा है, सुनना चाहोगे? हाँ माता। किंतु नहीं नहीं माता, समय बहुत अल्प शेष है। आज मैं कथा के लिए क्षमा चाहता हूँ। माता, अभी तो मुझे ऋषिवर को ध्यान से जागृत करने के लिए कोई उपाय ढूंढना होगा। क्या हुआ हनुमान, तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा उठ रही है? जिज्ञासा तो है माता, सैकड़ों वर्षों से जिनके प्रताप के बारे में सुना है वो देखने में इतनी कम आयु के हैं, देह से युवा प्रतीत हो रहे हैं। माता, किंतु तपोबल किसी दृढ़ आयु समान ऋषि के जैसा है। इसकी भी कथा लंबी है, कहो तो सुनाओ। माता, तब तो आप रहने दीजिए। अभी तो आप यही प्रार्थना कीजिए कि ऋषिवर को बिना कोपित किए ध्यान से जागृत करने का उपाय मिल जाए मुझे। ऋषिवर का ध्यान तो उनकी इच्छा से ही टूटेगा। उचित है कि तुम प्रतीक्षा करो और मुझे अपने कार्य करने दो।
ये तो बड़ी ही दुविधा उत्पन्न हो गई। प्रतीक्षा करूंगा तो मुहूर्त निकल जाएगा, और यदि ऋषिवर का तप भंग हुआ तो अनिष्ट हो जाएगा। क्या करूं मैं? अश्व तो अब दिग्विजय यात्रा के लिए पूर्णतया सज्जित हो गया है, किंतु ऋषिवर च्यवन आने वाले हैं, इसलिए हवन आदि और आगे की विधि उनके अनुसार हो तो उचित है। किंतु यदि हनुमान महर्षि च्यवन को मनाने में असफल रहे तो कहीं उनकी प्रतीक्षा करते करते शुभ मुहूर्त का समय ना निकल जाए। हमने सदैव हनुमान पर विश्वास किया है और उन्होंने सदैव हमारे विश्वास की लाज रखी है। हनुमान आज भी असफल नहीं होंगे। तो तुम कथा सुनना चाहते हो? कहां से आरंभ करूं? कोई और भी है यहां हमारे आसपास? कहीं राक्षस निकुंभ तो नहीं यहां पहुंच गया? अवश्य ही ये च्यवन ऋषि के तप की ऊर्जा है जो इस क्षेत्र की रक्षा कर रही है। ऋषि, ऐसे ही नहीं जाने दूंगा मैं तुम्हें, और अधिक शक्ति का संचय करके आऊंगा मैं। हनुमान, प्रतीत हो रहा है कि तुम्हें आसपास किसी दुष्ट शक्ति का आभास हो रहा है। हाँ माता, कोई तो दुष्ट आत्मा है यहाँ। उसकी चिंता तुम मत करो हनुमान, ऋषिवर के तपोबल के प्रभाव से कोई भी दुष्ट आत्मा यहाँ नहीं आ सकती। तब तो ऋषिवर के विषय में जानना बहुत आवश्यक है मेरे लिए, कदाचित मेरी समस्या का हल वहीं से निकल आए। उचित है हनुमान, तो सुनो, बहुत समय पूर्व की बात है, ऋषिवर च्यवन कठोर तप में लीन थे। दिन बीते, मास बीते और फिर वर्ष। और इस प्रकार सहस्त्रों वर्ष उनका तप चलता रहा। समय के साथ ही उनके तप का तेज इतना अधिक बढ़ गया था कि उनके नेत्रों से प्रज्वलित ऊर्जा निकलने लगी। वो इतने गहन ध्यान में लीन हो गए कि दीमकों ने अपनी बांबियां उनके चारों ओर बना ली। फिर भी उनकी तपस्या अनवरत चलती रही। उनके तप की तरंगे संपूर्ण वातावरण को प्रभावित कर रही थी। उनके नेत्रों से निकलने वाली प्रज्वलित ऊर्जा बांबी के छिद्रों से बाहर निकलकर कौतूहल जगा रही थी। उन्हीं दिनों तीर्थ यात्रा पर अपनी पुत्री सुकन्या एवं सेना के साथ निकले हुए मनुपुत्र राजा शरयार्थी ने नर्मदा नदी के किनारे पड़ाव डाला। वहीं निकट के वन में ऋषि च्यवन तप में लीन थे। उनके तप की तरंगों के प्रभाव से आकृष्ट होकर सुकन्या अपनी सखियों के साथ उस ओर निकल पड़ी। शीघ्र ही राजकुमारी सुकन्या च्यवन ऋषि की देह पर बनी हुई बांबियों के निकट पहुंच गई, और उनके दो छिद्रों से निकलते हुए प्रकाश को देखकर उसका कौतूहल और बढ़ गया। कितनी विचित्र है ये दीमकों की बांबी, और इन छिद्रों से निकलते हुए प्रकाश को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे इसके भीतर कोई प्रकाश पुंज हो। मैं देखती हूँ कि ये प्रकाश पुंज है क्या। सुकन्या को भय तो लग रहा था
किंतु कौतूहलवश उसने एक तीक्ष्ण तृण को उठाया और बांबी के निकट पहुंच गए। तीक्ष्ण तृण? ऐसा कौतूहल तो संकट का कारण बन सकता था माता। हाँ हनुमान, सत्य से अनभिज्ञ राजकुमारी सुकन्या ने कौतूहलवश उस तीक्ष्ण तृण को बांबी के छिद्र में झोंक दिया। माता, कौतूहल तो वैसे अच्छा है, क्योंकि कौतूहल ही नवीन ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रेरित करता है, किंतु कौतूहलवश असावधानी से किया गया कार्य कभी कभी घातक भी बन जाता है। हाँ हनुमान, जैसे ही उसने तृण बाहर निकाला उसे छिद्र से रक्त बहता हुआ दिखाई दिया। भयाक्रांत हो गई वो, उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वो ऐसी भूल कर बैठी है। तभी एक घायल ऋषिवर को बांबी से निकलते हुए देखकर भयभीत सुकन्या अपनी सखियों के संग वहाँ से भाग निकली। राजकुमारी सुकन्या, ये तो कोई ऋषि है, चलिए यहाँ से। ऋषिवर का क्रोध अपने चरम पर था। राजकुमारी सुकन्या, मेरी सहस्त्रों वर्षों की तपस्या भंग कर दी तुमने और ये संसार देखता रह गया। इस अपकृत्य का दंड तुम ही नहीं समस्त सृष्टि भोगेगी। नष्ट कर दूंगा मैं सब कुछ, कोई नहीं बचेगा मेरे कोप से। ये तो बहुत ही बुरा हुआ माता। ऋषिवर के क्रोध का ऐसा झंझावात उठा कि सृष्टि के पंचभूत तत्व भी असंतुलित हो उठे। वायु महाप्रचंड वेग से सब कुछ उड़ाने लगी। नदियों के जल ने भीषण रूप धारण कर लिया। स्वच्छ आकाश सहसा ही घने मेघों से छा गया। वेग की आंधियों ने श्वास लेना दुर्भर कर दिया था। अतः कोई गिरकर अचेत हो रहा था तो कोई प्रचंड वायु में उड़ रहा था। ये धूल भरी आंधी, सांस लेना भी कठिन हो रहा है। ऋषिवर के क्रोध से चहुं ओर विनाश लीला आरंभ हो गई। सुकन्या ने अपने पिता से जाकर सब कुछ बता दिया। स्तब्ध रह गए थे महाराज शर्याति। वायु के थपेड़ों में धूल भरी आंधियों का सामना करते हुए वे किसी प्रकार ऋषिवर के पास जा पहुंचे। क्षमा ऋषिवर, क्षमा। मेरी पुत्री के इस कृत्य के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अपने इस कोप को शांत कर लीजिए ऋषिवर, प्रकृति असंतुलित हो चुकी है। शांत हो जाइए ऋषिवर, शांत हो जाइए। महाराज शर्याति की क्षमा याचना का ऋषि के कोप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और उसे देखकर सुकन्या भी उनके चरणों में गिर पड़ी। सृष्टि में प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो रही है ऋषिवर, भूलवश हुए अपराध का इतना बड़ा दंड मत दीजिए सृष्टि को। भूलवश किया गया हो या जानते हुए, अपराध अपराध होता है और अपराधी को दंड मिलना चाहिए। तो मुझे दंड दीजिए, अपराध मुझसे हुआ है और मैं इसके प्रायश्चित के लिए प्रस्तुत हूँ ऋषिवर। तुम करोगी प्रायश्चित? मेरे जीवन भर की तपस्या को भंग किया तुमने, तो आजीवन मेरी सेवा करने का प्रण लो, विवाह करो मुझसे। नहीं नहीं, मेरी पुत्री सुकुमारी है और आप? स्वीकार है मुझे, विवाह करूंगी मैं आपसे। सदैव आपकी सेवा का प्रण लेती हूँ मैं, किंतु ये विनाश लीला अब रोक लीजिए। Thank you.
ये तो अनुचित था माता। फिर क्या हुआ? विवाह हुआ या नहीं? ये ध्वनि अवश्य ही कोई तो है यहां। विवाह हुआ हनुमान। सुकन्या अपने पति को इष्ट देव मानकर दिन रात उनकी सेवा में जुट गई। पतिव्रत धर्म का पालन, सदाचरण एवं वर्षों की अनवरत सेवा को देखकर एक दिन ऐसा भी आया जब ऋषिवर सुकन्या पर प्रसन्न हो गए। सुकन्या, तुमने श्रेष्ठ धर्म पालन एवं निस्वार्थ सेवा से मुझे प्रसन्न कर दिया, किंतु मुझे दुख है। मैंने तुम्हें ऐसा दंड दिया जो कोई भी सुकुमारी स्वीकार नहीं करती। तुम सुंदर, तरुणी और मैं एक नेत्र वाला कृशकाय वृद्ध, किसी प्रकार मेरा नेत्र मुझे वापस मिल जाता, मेरी युवा अवस्था लौट आती, तो मैं तुम्हें वो सुख दे पाता जो तुमने मुझे अपनी सेवा से दिया है। ऐसा संभव है ऋषिवर? प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम माते। आप? मैं अश्वनी कुमार हूं ऋषिवर, पिताश्री सूर्यदेव और माता प्रभा का पुत्र। चिकित्सा विज्ञान एवं औषधीय शास्त्र से परिपूर्ण आयुर्वेद का विशेषज्ञ हूं मैं। मैं आपको ऐसी औषधि प्रदान कर सकता हूं जिससे आपका एक नेत्र एवं आपका यौवन लौट आएगा और आप मुझसे भी अधिक सुंदर और हृष्टपुष्ट दिखाई देने लगेंगे। किंतु प्रतिफल स्वरूप पहले आपको यज्ञ में अन्य देवताओं की भांति मेरे लिए भी हविष्य अर्पण करना होगा, जिससे कि मैं भी देवताओं की पंक्ति में बैठने का अधिकारी बन सकूं। अवश्य ही ये देवी सुकन्या के श्रेष्ठ धर्म पालन एवं ऋषिवर के तपोबल का परिणाम था, जो अश्वनी कुमार स्वतः ही उनकी सहायता के लिए प्रेरित हुए। फिर क्या हुआ माता? कर्म फल तो मिलता ही है अनुमान। ऋषिवर ने शीघ्र यज्ञ आरंभ कर दिया, किंतु जब यज्ञ अपनी चरम सीमा पर पहुंचने लगा तो अश्विनी कुमार के नाम से आहुतियां पड़ती देखकर इंद्रदेव कुपित हो उठे और ऋषिवर को ऐसा करने से रोकने के लिए आ गए। ओम अश्विनी कुमाराय नमः। रुक जाइए ऋषिवर। आप अश्विनी कुमार को हम देवताओं के समान अधिकार एवं पद कैसे दे सकते हैं? ओम अश्विनी कुमाराय नमः। यदि आप नहीं रुके ऋषिवर, तो हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा। ओम अश्विनी कुमाराय नमः। ओम अश्विनी कुमाराय नमः। आप ऐसे नहीं रुकेंगे ऋषिवर। नहीं ऋषिवर, रुक जाइए ऋषिवर। ऋषिवर चवन, क्षमा, रोक लीजिए अपने कोप को। मैं वचन देता हूं कि आपकी इच्छा अनुसार अपने अश्विनी कुमार को हम देवताओं के समान ही वे सम्मान और भविष्य के अधिकारी होंगे। शांत हो जाइए ऋषिवर,
क्षमा कर दीजिए इंद्रदेव जी को। आपने मुझे देवताओं के समान अधिकार दिलाए, आपको धन्यवाद ऋषिवर। अब आप ये औषधि स्वीकार कीजिए। इसके सेवन से आपकी दृष्टि लौट आएगी और आप पुनः युवावस्था को प्राप्त हो जाएंगे। और मैं ये घोषणा करता हूं, भविष्य में ये औषधि आपके नाम से ही प्रचलित होगी। च्यवनप्राश के ही नाम से सब इसे जानेंगे। तत्पश्चात उस औषधि के प्रभाव से ऋषिवर के नेत्र वापस आ गए और ऋषिवर एवं सुकन्या दोनों का यौवन पुनः वापस आ गया। मैं पहचान गया माता, आप ही राजकुमारी सुकन्या है ना? माता, आप दोनों की कथा से मुझे इतना तो ज्ञात हो गया है कि ऋषिवर मात्र शीघ्र कुपित ही नहीं होते, अपितु वो भावुक भी हैं, न्याय भी करते हैं। हो सकता है इन्हीं सबके मध्य से ऋषिवर को ध्यान से जागृत करने का कोई उपाय निकल आए। हाँ हनुमान, लक्ष्य को ध्यान में रखकर निरंतर आगे बढ़ने वाला ही लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। माता, कथा सुनते सुनते हम यहाँ कब पहुँच गए, ज्ञात ही नहीं हुआ। अब मैं जल भर कर लाता हूँ। कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है, कदाचित कोई वन्य जीव हो। भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है माता, मैं संभाल लूंगा सिंह को। रुक जाओ हनुमान, जीव हिंसा ऋषिवर के सिद्धांतों के विपरीत है, विशेष रूप से वन जीवों की हिंसा के वो पूर्णता विरुद्ध है, इसलिए तुम इस सिंह को आहत मत करना। ये स्त्री मेरा आहार है वानर, इसलिए मेरे मार्ग से हट जाओ, मैं बहुत भूखा हूँ। ऋषिवर च्यवन के सिद्धांतों के अनुसार मैं तुम्हें आहत नहीं करूंगा वनराज, किंतु तुम्हें माता को भी आहत नहीं करने दे सकता। हनुमान, मैं तो इस सिंह का स्वाभाविक आहार हूँ, इसलिए इसे रोकना उचित नहीं है। और यदि मेरी देह से किसी जीव की शुद्धा शांत होती है तो ये मेरा सौभाग्य ही होगा।
यदि तुमने माता को आहार बना लिया तो ऋषि वर च्यवन की रक्षा कौन करेगा? उन्हीं के सिद्धांतों के कारण तुम सब वन्य जीव इस वन में सुरक्षित रहते हो, इसलिए उचित होगा कि तुम लौट जाओ। वानर, ये तो विधि का विधान है कि हम सिंह किसी को भी अपना आहार बना सकते हैं। यदि तुम स्त्री को बचाना चाहते हो तो उसके स्थान पर तुम्हें मेरा आहार बनना स्वीकार करना होगा। ये तो सत्य ही है कि ईश्वर ने सिंह को आखेट करके ही उदर पोषण का अधिकार दिया है। क्या सोच रहे हो वानर? मेरा आहार बनो, अन्यथा मेरे मार्ग से हट जाओ। ये तो विचित्र दुविधा उत्पन्न हो गई है। यदि मैं स्वयं को प्रस्तुत करूं, तो प्रभु का कार्य अपूर्ण रह जाएगा, और यदि मैंने सिंह का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया तो माता की रक्षा नहीं हो पाएगी। संकट मोचन समना कोई। उठो हनुमान। तुम्हारी परीक्षा लेने हेतु मैंने ही सिंह का रूप धरा था। हनुमान, मैं तुम्हारी धर्म परायणता और परमार्थ के प्रति निष्ठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। प्रणाम ऋषिवर। कल्याण हो हनुमान। कहो, क्या इच्छा है तुम्हारी? क्या वरदान दूं मैं तुम्हें? मेरे लिए तो यही सबसे बड़ा वरदान होगा ऋषिवर, कि आप मेरे साथ अयोध्या चलें और प्रभु श्री राम के अश्वमेध यज्ञ में आप भाग लें। स्वयं प्रभु श्री राम ने मुझे यहां आपको लाने भेजा है। स्वयं प्रभु श्री राम ने अपने इस तुच्छ भक्त को बुलाया है। अब ये भक्त प्रभु श्री राम के आदेश का पालन करने में एक क्षण का भी विलंब नहीं करेगा। प्रभु श्री राम ने अपनी अयोध्या नगरी में अपने भक्त को बुलाकर उसका जीवन धन्य कर दिया है। मैं आ रहा हूं प्रभु, प्रभु श्री राम, मैं आ रहा हूं। अद्भुत है ऋषि च्यवन की भक्ति, विलक्षण है इनका प्रभु प्रेम। भक्त ही भक्ति रस पहचाने, भक्त ही दूजे भक्त को जाने। अवध दिशा च्यवन ऋषि दौड़े, कंटक पत्थर कोई न रोके। देख कपि भावुक हो आई, ऋषि प्रतिपद प्रहस्त उठाई। जय जय अवधपति श्री राम, जय च्यवन ऋषि जय हनुमान। क्या हुआ ऋषिवर, आप रुक क्यों गए? तुम क्लांत हो गए होगे हनुमान। कब तक इस प्रकार मेरे पांव के नीचे अपने हाथ रखकर मुझे कष्ट पहुंचने से सुरक्षित रखोगे? जब तक आप अयोध्या नहीं पहुंच जाते ऋषिवर, आप इतने समय से तप में लीन थे।
इसलिए मैं आपकी क्लांत देह को और क्लांत नहीं होने दूंगा। आप चिंता ना करिए, प्रभु कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। तुम धन्य हो हनुमान, धन्य हो। तुम अभी भी अपनी नहीं, मात्र मेरी चिंता कर रहे हो। परमार्थ का ऐसा परम भाव मैंने किसी और में नहीं देखा। हे ऋषिवर, ये परमार्थ नहीं, ये तो मेरा परम स्वार्थ है। आप जैसे राम भक्त की सेवा कर, मैं तो अपने प्रभु श्री राम की ही सेवा कर रहा हूं। इसलिए यदि आपको आपत्ति ना हो तो आप मेरे हाथ पर विश्राम करते करते चलिए, मैं आपको समय पर अयोध्या पहुंचा दूंगा। उचित है हनुमान, किंतु स्मरण रहे, मार्ग में मेरे विश्राम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो मैं उसी क्षण नीचे उतर जाऊंगा। फिर तुम्हें मेरे साथ उड़कर नहीं अपितु चलकर जाना होगा। और हां हनुमान, मेरी निद्रा भी भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मेरे क्रोध की ज्वालामुखी फट सकती है। ऋषिवर, मैं सावधान रहूंगा, आप निश्चिंत होकर मेरे हाथों पर विराजमान हो जाइए। जय श्री राम। आइए ऋषिवर। यदि उड़कर गया तो कहीं विश्राम करते हुए निद्रा में ऋषिवर की पकड़ ढीली पड़ गई तो वो गिर सकते हैं, इसलिए मुझे चलकर ही जाना चाहिए। जय श्री राम। अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र की जय। 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 अयोध्या नरेश श्री रामचंद्र की दूर से अनेक ऋषि मुनि, राजा महाराजा एवं अन्य अतिथि पधार चुके हैं। मुझे विश्वास है शीघ्र ही ऋषि चवन को लेकर हनुमान भी आ जाएंगे।
कैसे विचित्र मायावी वृक्ष हैं ये, जिनकी जड़ें पृथ्वी से बाहर निकलकर मुझे जकड़ने का प्रयास कर रही हैं। ये तो संपूर्ण वन ही मायावी प्रतीत होता है। इस प्रकार तो ऋषिवर की निद्रा भंग हो सकती है, फिर उनका क्रोध जागृत हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मार्ग में मेरे विश्राम में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो मैं उसी क्षण नीचे उतर जाऊंगा। और हाँ हनुमान, मेरी निद्रा भी भंग नहीं होनी चाहिए, अन्यथा मेरे क्रोध की ज्वालामुखी फट सकती है। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। यदि मैं झटक कर इन जड़ों को अपने पांव से मुक्त करता हूं तो ऋषिवर की निद्रा भंग होने की संभावना है, और यदि मेरे पांव मुक्त ना हो तो आगे ही नहीं बढ़ पाऊंगा मैं। फंस गया मरकट मेरे मायावी जाल में। अब ये लताएं भी बांध रही हैं मुझे। शीघ्र ही मुझे इस संकट निवारण का कोई उपाय सोचना होगा। आसुरी आकृति कहां से उत्पन्न हो गई? समझ गया, ये कोई आसुरी चाल है। ऋषिवर के विश्राम को भंग कर उनके कोप को जागृत करने की, जिससे कि वो मुझे ही दंड दे दे और मैं उन्हें अयोध्या तक न ले जा सकूं। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। सखा, तो ये उपाय है इस दुष्ट के मुख को बंद करने का। सखा, इस आसुरी मुखाकृति से तो छुटकारा प्राप्त हुआ। काली आसुरी आकृतियां अभी भी यहां हैं, अर्थात अभी संकट दूर नहीं हुआ है। ऋषिवर को आहत नहीं होने दूंगा मैं। सखा,
इस प्रकार आगे बढ़ने में तो अपार संकट है। ऋषिवर के प्राण सुरक्षित नहीं है, इसलिए उनकी निद्रा और विश्राम भंग हुए बिना सर्वप्रथम मुझे इन मायावी वृक्ष रूपी संकटों से मुक्ति पानी चाहिए। सोच सोच कर भली भांति सोचा हुआ वार करता हूँ मैं मरकट। ये मत सोचना कि विफल हो गया निकुंभ, मेरी योजना अवश्य सफल होगी मरकट। तो दुष्ट निकुंभ अभी भी अश्वमेध यज्ञ में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहा है। चिंतित है मरकट, होने दो चिंतित, परंतु कुछ नहीं कर पाएगा, मेरी माया से बच नहीं सकेगा वो। सर्वप्रथम ऋषिवर के विश्राम की उचित व्यवस्था करता हूँ, उसके उपरांत ही इन असुरों को मार्ग से हटाऊंगा मैं। सखा, क्षमा कीजिए ऋषिवर, उन दुष्ट असुरों के कारण मुझे अपने हाथ से उतारना पड़ा आपको, परंतु यहां आपकी निद्रा भंग नहीं होगी। प्रभु श्री राम की, प्रभु श्री राम की। अयोध्या नरेश प्रभु श्री राम को हम ऋषिगणों का प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रभु, हम सब भी आपके इस महायज्ञ में सम्मिलित होने आए हैं। राम राज्य की स्थापना के लिए की जाने वाली इस अश्वमेध यज्ञ का साक्षी बनना हमारा परम सौभाग्य होगा। स्वागत है। धन्यवाद प्रभु। अब इन दुष्ट असुरों के आक्रमण करते ही इन्हें नष्ट कर दूंगा मैं। बताओ मुझे, तुम्हारे अन्य सहयोगी कहाँ हैं? रोक नहीं सकोगे तुम मुझे मरकट, भले ही कितने प्रयत्न कर लो तुम। निकुंभ हूँ मैं, सहो मेरे असुर सेवकों के प्रहार। तो ये संपूर्ण सेना है यहाँ। Ah!
अरे ये क्या है, मेरी दृष्टि बाधित कर दी इन मायावी कड़ों ने। अब तुम यहाँ खड़े रह जाओगे हनुमान, और हम सब आक्रमण कर इस ऋषि का वध कर देंगे। और सब वहाँ अयोध्या में तुम्हारी प्रतीक्षा करते रह जाएंगे, और यज्ञ का मुहूर्त बीत जाएगा। यज्ञ के लिए अश्व विधिवत रूप से तैयार है, अन्य सभी प्रबंध हो चुके हैं, किंतु हमारे पास समय शेष नहीं है। यदि ये पहर बीत गया तो मुहूर्त निकल जाएगा। कहाँ है हनुमान? मेरी दृष्टि बाधित हो गई है, कहीं ये दुष्ट राक्षस ऋषिवर की निद्रा ना भंग कर दे। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ ही हो जाएगा।